हेलो एवरीबाडी टूडे विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर सेवन फ्रॉम एक्सरसाइज एट बी चैप्टर एक्सपोनेंट क्वेश्चन इज वी हैव टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग पावर्स ऑफ टेन इन द एक्सपोनेंट ठीक है अब क्वेश्चन समझने से पहले आई विल गिव यू बीफ आइडिया कि ये क्वेश्चन हमें करना कैसे ठीक है सपोज इफ़ यू हैव अ नंबर लाइक थ्री ठीक है हम थ्री को हाउ कैन वी राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा है ना हमने बचपन में थ्री हंड्रेड प्लस फोर्टी प्लस नाइन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन को ऐसे लिख सकते हैं ना कोई देर इज़ नो प्रॉब्लम इन राइटिंग लाइक दिस अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ थ्री इंटू टेन रेस्ट के पार कितने ज़ीरो हैं देर टू जीरो तो मैं यहाँ पे टू की पार लगा देती हूँ राइट right. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ फोर इंटू टेन रेट के पार वन ठीक क्योंकि एक जीरो है तो एक पार दे दी प्लस नाइन ठीक है तो ये जो लिखा है हमने दिस इज कॉल्ड एज पार्ज ऑफ टेन इन द एक्सपोरियंस फॉर्म ठीक है ऐसे वी हैव टू राइट डीज नंबर्स ठीक अब तो क्लियर है अब तो थोड़ा समझ में आया कि अच्छा हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है ठीक तो अब ये भी कर सकते हैं कि मैं ये देखती हूँ थ्री के साथ कितने जीरो आए हैं जितने थ्री के बाद डिजिट्स हैं वन टू वन टू ठीक है मैंने दो जीरो यहाँ पे लगा दिए ठीक फोर के बाद कितने जीरोज आए फोर बिकॉज देर वॉज वन डिजिट आफ्ट फोर तो मैंने एक जीरो लगा दिया ठीक है नाइन के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए नाइन को मैंनेफ्ट इट लाइक दैट आउन ओनली ठीक है क्लियर तब हम ये वाला फर्स्ट वील स्टार्ट विद द ए पार्ट ए इज टू थ्री फोर फाइव सेवन एटी नाइन ठीक है दिस कैन बी रिटर्न एज टू ठीक है टू के बाद कितने जीरोज हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो आई एल पुट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है देन आई एल राइट थ्री कितने जीरो पुट करती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक प्लस आई एल पुट दिस फोर हेयर हाउ मेनी जीरोज़ देन वन टू थ्री फोर वन टू three, four. I'll put this five. How many zeros now? One, two, three. Then you have seven hundred. Then you have eighty. Then you have nine. ठीक है क्लियर समझ में आया क्या करा है बस मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया बचपन में ऐसे ही करते थे ना यूज टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे ही तो करते थे एक्सपेंशन फॉर्म यही था इसका ठीक अब मैं क्या करूँगी टू कैन बी रिटर्न एज द पावर कितने जीरो हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट इट टू इंटू टेन रेस पास पार्स यही दो बस मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है क्लियर एक बेस दे दी एक पार दे दी ठीक अगेन कम टू दिस पार्ट थ्री कैन बी रिटर्न थ्री वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टैक् थ्री लैख कैन बी रिटर्न एज थ्री इंटू टेन टू द पार फाइव फाइव जीरोज है यहाँ पे तो मैंने टेन की बेस पे एक फाइव लिख दिया ठीक है प्लस फोर इंटू टेन रेज टू द पावर वन टू थ्री फोर प्लस फाइव इंटू टेन रेज टू दार थ्री बिकॉज वी हैव थ्री जीरोज प्लस सेवन इंटू टेन रेज पार्ट टू प्लस एट इंटू टेन रेज टू द पॉवर वन राइट प्लस नाइन ठीक है क्लियर सो ये कै, कैसे लिखा है हमने वी एव रिटन द एक्सपेंडेड फॉर यूजिंग पावर्स ऑफ टेन इन द एक्सपोनेंट ठीक है क्लियर समझ में आ गया तो इसका आंसर ये हो जाएगा बट यू डो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन राइटिंग दिस मल्टीप्लीकेशन और प्लस साइन ऐसा ना हो कि या तो सारे मल्टीप्लीकेशन के हो जाए या सारे प्लस के हो जाए ठीक है जब इसको मल्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इससे जब नेक्स्ट नंबर लेंगे तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे ठीक है फिर जब नेक्स्ट नंबर लेंगे तो फिर प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन ठीक है सो यू हैव टू बी वेरी काम एंड वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस क्वेश्चन ईजी है वेरी सिंपल लेकिन थोड़ा सा यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट वाइल डूइंग द सोल्यूशन क्लियर नाउ कमिंग टू द बी पार्ट ठीक है दिस इज टेन लाख एटी नाइन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री ये मैं कैसे लिख दूंगी वन हाउ मेनी जीरोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट फिर फिर तो जीरो जीरो है तो उसको छोड़ देते हैं ट्वेंटी देन वी हैव थ्री इसको मैंने ऐसे लिख देंगे ना ठीक है नाउ वन इंटू टेन रेस टू दन 2, 3, 4, 5, 6. So I will put 10 to the power 6 here. Okay? Plus 8 into 10 raised power. How many zeros we have? 1, 2, 3. Right? 9 into 10 raised power 2 plus 2 into 10 raised power 1 plus 3. Okay? So this is the answer for the B part. Okay? Now coming to the C part.

फाइव जीरोज़ कैसे वन टू थ्री फोर फाइव इसके बाद जितने नंबर्स हैं उतने मैंने जीरोज़ यहाँ पे लगा दिए ठीक क्लियर देन वी हैव फाइव फाइव के बाद कितने नंबर्स है वन टू सो टू ज़ीरोज देन आई हैव सिक्स हाउ मेनी नंबर्स आफ्टर सिक्स वन सो एलप वन जीरो प्लस टू ठीक है याद आया ना दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसी तो करते थे नौ सेवन इंटू टेन टू द पार सेवन प्लस 8 into 10 to the power how many zeros we have? 6 zeros plus 9 into 10 to the power 5 because we have 5 zeros here. Okay. Plus 5 into 10 to the power 2 plus 6 into 10 to the power 1 plus 2. Okay. So this is the answer for C part. Now coming to D. This is 597. सिक्स ज़ीरो एट इसको मैं कैसे लिख दूँगी फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव कितने डिजिट्स हैं आफ्टर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव मैंने इतने ज़ीरोज़ यहाँ लिख दिए प्लस आई हैव नाइन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर प्लस सेवन वन टू थ्री प्लस देन यू हैव सिक्स हंड्रेड देन यू हैव एट राइट कितना हो जाएगा फाइव इंटू टेन टू द पावर दिस वॉज फाइव प्लस फोर इंटू टेन टू द पावर फोर नाइन इंटू टेन टू दार फोर प्लस सेवेन इंटू टेन टू द पावर थ्री प्लस सिक्स इंटू टेन टू द पावर टू प्लस एट सो दिस इज द आंसर फॉर डी पार्ट नाउ विल कम टू द ई पार्ट नाउ द ई पार्ट इज सेवन लैक एट हंड्रेड एंड नाइन्टी टू इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव आफ्टर सेवन वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक प्लस एट हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर एट वन टू सो एल पुट टू जीरोज है प्लस नाइन्टी प्लस टू ठीक है दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म पार हाउ मेनी फाइव की पार लगा दी टेन की पार लगा दी फाइव एट टू द पार टू प्लस नाइन इंट द प्लस टू सो दिस इज द आंसर फॉर ए पार्टर वी कंप्लीट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज